हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके एक न्यू व्लॉग में। जैसे आपने देखा कल लास्ट व्लॉग में, मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ अपने ससुराल। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम इवनिंग से, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। तो इवनिंग में हमने बनाया था कल बैंगन का भरता। कैसे बनाया, अपनी जो हमारी रेसिपी है मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। कल प्यार कर ले। देखो ये हमने लिए हैं बैंगन। बैंगन बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे हैं थोड़ी सी, और मोटे बहुत हल्के हैं। जब भी आप बैंगन को भूनते हो तो उससे पहले उसमें ना कट लगा लो नाइफ से और उसके अंदर डाल दो ये जो लहसुन है, लहसुन की कलियां डाल दो। मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा डालना। छपवाती हूँ। देखो दोनों बैंगन रेडी कर दिए। अब इसमें चूल्हे में रखने से पहले इसमें तेल लगाएंगे। तेल से क्या होता है, इसकी पपड़ी अच्छे से निकल जाती है, जो बाहर का कवर होता है। देखो मैंने रख दिया चूल्हे में हल्की आंच में, हम इसको पका देंगे भैया मेरा बैंगन बहुत देर तक, जब तक सॉफ्ट ना हो। देखो अच्छे से भून रहे हैं बैंगन, और मैं क्या करती हूँ इसके साथ ही जो लहसुन है वो भी रख देती हूँ। लहसुन की पोत बोलते हैं, या जो पूरा कली के साथ पूरा लहसुन होता है उसको रख देती हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। जब अच्छे से भून जाते हैं तो फिर एक बाउल में हल्का सा पानी लेके उसमें हल्का सा डिप कर लो या ऊपर से छिड़काव कर लो। तो मैं ऐसे करती हूँ, बिल्कुल अच्छे से छिल जाते हैं ये एकदम। निकालो आप फॉक से कर लो, या फिर आपने हैंड से कर लो, या चाकू से कर लो, किसी से भी आप इसके पपड़ी बाहर के निकाल सकते हो और बहुत इजीली निकल जाती है। देखो जब अच्छे से छिल जाए तो इसमें जो लहसुन है उनकी कलियों को अलग अलग कर दो। देखो छिल गया अच्छे से, अब इनको अलग करके दूसरे बर्तन में छील लेंगे हम इन्हें। देखो अब जो बैंगन छिल जाए अच्छे से, कोई मैशर से या किसी चीज़ से कूटता है, बट मुझे चाकू से करना अच्छा लगता है। फटाफट कट जाते हैं और हल्के हैंड से फिर मैं इसे मैश कर देती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है, और जो भी लहसुन की कली है वो अलग छील के उसे तड़के में डाल देती हूँ। अब इसके लिए तड़के के लिए, मतलब इसमें डालने के लिए 4 से 5 प्याज ले लेते हैं, क्योंकि 2 अगर बैंगन हैं तो मैं 4 ले लेती हूँ प्याज। सही मात्रा में डालना अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा प्याज से ये टेस्टी भी बनती है। और प्याज अच्छे से काटने के बाद 4 से 5 टमाटर भी ले सकते हैं आप, जो अगर आपको जितना ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट हम 4 से 5 ही लेते हैं। अच्छे से चॉप कर लो इसे, और फिर इसका तड़का लगा के जीरा डाल के बढ़िया से इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। तेल थोड़ी सी ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि बैंगन के भरते में तेल ज़्यादा लगता है, और जीरा डाल दिए। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च, लहसुन और प्याज डाल देंगे, और अदरक कूट के डाल देंगे, या फिर आप मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया, इसमें लहसुन भी डाल दिया है और टमाटर, हरी मिर्च डाल दिए। इसके बाद मसाला डाल देंगे।
मसाले में हम डालते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और अगर आप चाहो तो खड़े मसाले डाल सकते हो, मोटी इलायची, बट मैं मिक्स डालती हूँ, मतलब पिसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी होता है। कुछ लोग प्लेन बनाते हैं, हम मटर वाली बनाते हैं, तो इसके बाद हम उसमें मटर भी डाल देंगे। जब सब्जी मतलब जो मसाला है अच्छे से तेल छोड़ दे, तब हम इसमें डाल देंगे मटर, और हल्के थोड़े से पानी डाल के थोड़ी देर तक पका लेंगे, क्योंकि मटर उबले हुए नहीं हैं, कच्चे हैं, तो थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद इसमें हम मिला देंगे, अब ये जो बैंगन है इसे अच्छे से मैश कर लिया, अब इसको इसमें डाल देंगे, अगर ये हल्का सा पक जाता है तो। इसको ढक के रख देंगे जब तक ये अच्छे से नहीं पकती है। जब ये अच्छे से पक जाएगी फिर इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे और धनिया पत्ती।